हेलो गाइस, तो क्या हाल है आप लोगों के। आज मैं फिर लेके आया हूँ आपके सामने एक और वीडियो। इस बार जो वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ ये है 90s के दशक में जो आप बोर्ड देखते थे, स्टीम बोर्ड जो चलाते थे, जिसे हम कहते थे भाप वाली कश्ती, जो हम पानी में छोटे छोटे बच्चे थे, बहुत छोटे हुआ करते थे उस टाइम पर हम चलाते थे बोट कश्ती। तो आज मैं उसको आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा और वो चलाकर भी दिखाऊंगा, जैसे कि 90s में हमारी यादें ताज़ा होती थी और 90s में हम बहुत अच्छी तरीके से खेला करते थे। उसी तरीके से आज भी उन यादों को फिर दोबारा से ज़िंदा करने का वक्त आ गया है और आपके सामने लेके आया हूँ मैं एक और अनबॉक्सिंग। ऊपर मेरे आई बटन में एक और वीडियो का लिंक आ रहा होगा, जाकर मेरे लिंक को देखें, उस वीडियो पर प्यार दें। बहुत मेहनत लगी है वो वीडियो बनाने के लिए, तो प्लीज़ वहाँ जाइए और बोया के माइक की जो वीडियो आपको दिख रही होगी ऊपर आई बटन में, उसको जाके उस लिंक पे क्लिक करिए और इस वीडियो को प्यार दीजिए ज़्यादा। आइए फिर से शुरू करते हैं बिना बकचोदी के एक और अनबॉक्सिंग। तो एक बार फिर आ गया है हमारे सामने अनबॉक्सिंग का वीडियो और हम उठा देते हैं अपना रामपुरी चाकू और इससे कर देते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, देखते हैं। ओहो, ये लीजिए आपके सामने, ये खुल के आ गया है और ये लीजिए, ये देखिए किस तरीके का प्रोडक्ट है। ये मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ किस तरीके से बोर्ड चलाने की इसमें विधि लिखी हुई है। नकली माल से सावधान, बोर्ड चलाने की विधि। बोर्ड चलाने की विधि है, बोर्ड के पिछले भाग में दो पाइप दिए गए हैं, किसी एक पाइप में पानी भरें, जब दूसरी पाइप से पानी बाहर आ जाए तब बोर्ड को पानी में तैराएं। चम्मच में गरी के तेल या मोमबत्ती की बारीक बत्ती जलाकर उस बोर्ड के भीतर रख दें, एक मिनट में बोर्ड चालू हो जाएगा। यदि बोर्ड ना चले, चलकर रुक जाए, तो बत्ती निकाल कर बोर्ड के पाइप में भरा हुआ पानी झटक कर निकाल दें, फिर विधि का व्यवहार करें। बोर्ड बंद करने से पहले बोर्ड की बत्ती बुझा दें, भूल से भी कभी जलती हुई बत्ती बोर्ड के पानी से ना निकालें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसकी कैसी क्वालिटी है। ये देखिए पैकेजिंग जो आई है बहुत अच्छी तरीके से होके आई है, जो कि बबल में आई है, और मैं अक्सर आपको बबल में बताता रहता हूँ कि पैकेजिंग कैसी रहती है। कोई भी जो टूटने फूटने का सामान होता है वो बबल में दिया जाता है, जिससे कि परेशानी ना आए किसी भी कस्टमर को। ये देखिए, ये दिया गया है, दो बत्ती दी गई हैं इसमें, इसमें मोम लगी हुई है, दो बत्ती दी गई हैं। ये कुछ इस तरीके से जलाकर इसके अंदर रख दी जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस स्लॉट को, इस स्लॉट में रख दी जाती है। इसके नीचे जब ये लाइट, जब ये बत्ती इसके ऊपर लगती है और ये गर्म होता है हीट होने पे, तब ये यहाँ से अपना प्रेशर रिलीज़ करता है और प्रेशर रिलीज़ करने के बाद ये राउंड राउंड घूमने लगती है। तो हम आपको इसको चलाकर दिखाएंगे और इससे आप, अगर जैसे ये मोम इसमें दी गई है, अगर इसमें मोम नहीं है, मोम ख़त्म हो जाती है, तो आप इससे किसी भी तेल को ले सकते हैं और तेल को लेने के बाद यहाँ पर रख सकते हैं। थोड़ा सा तेल डाल दीजिएगा, थोड़े से तेल में काफ़ी हद तक चल जाती है ये। तो आइए हम एक बार फिर इसे जलाकर और इसको चलाकर दिखाते हैं और 90s की यादें फिर से ताज़ा करते हैं। तो देखिए, ये मैंने ले लिया है थोड़ा सा तेल। अब इस तेल को किस तरीके से इसमें डालना है ये मैं आपको बता देता हूँ। इस तरीके से ये लिया, आप यहाँ पे लेके आइए और इसको थोड़ा सा पुश कर दीजिएगा। पुश करने के बाद ये तेल इसके अंदर आ जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर तेल आ चुका है। और यहाँ लाने के बाद फिर दोबारा से पुश करने पर तेल इसके अंदर आ गया और इसमें काफ़ी हद तक तेल हो चुका है, जिससे ये बोर्ड बहुत अच्छी चलेगी। अब हम ये रख देते हैं और मैं आपको चला के दिखाता हूँ इस बोर्ड को कैसे चलती है। मैं इसको पहले आपको बोर्ड में बत्ती को कैसे जलाया जाता है, इस बत्ती को मैं जला के दिखा देता हूँ आपको ये कैसे जलाया जाता है। तो इस तरीके से कुछ माचिस को, इसकी बत्ती को यहाँ हमें जलाना है और जलाने के बाद इसको छोड़ देना है। अब आइए मैं दिखाता हूँ आपको ये बोर्ड किस तरीके से चलेगी। तो कुछ एक मिनट तक हम इसको गर्म कर लेते हैं और गर्म करने के बाद कुछ इस तरीके से इसके नीचे ये लगा दिया जाता है, जिससे कि ये जलती रहे। और यहाँ पानी के अंदर हम इसको रख देते हैं। अब देखते हैं कितनी देर में ये चलती है यहाँ से। अब देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, कुछ ही देर में ये इस तरीके से चल जाएगी। और आप देख सकते हैं 90s के ज़माने में किस तरीके से चलते थे बोर्ड। और ये हमने कर दिखाया, ये हमने कर दिखाया, एक बार फिर हमने बोर्ड चला के दिखा दिए। बहुत सालों बाद ये ऐसा मंजर देखने को मिल रहा है यार, बहुत मज़ा आ रहा है। थोड़ी सी परेशानी ज़रूर आई, लेकिन परेशानी के बाद फिर ये चल गई। आप इसकी वॉइस देख सकते हैं,
इसकी वॉइस देख सकते हैं किस तरीके की वॉइस है, बहुत प्यारा लगता है और कितनी अच्छी तरीके से ये सर्वाइव कर रही है नाव। बहुत मज़ा आ रहा है इसे दिखाने में आपको। जैसे कि आपने देखा हमारे सामने बोट किस तरीके से चल रही थी, बहुत अच्छी आवाज़ आ रही थी। फिर से 90 के दशक में जैसे कि हमारे साथ ऐसा होता था, हम नाव चलाते थे और बहुत खुशी खुशी खरीद कर लाते थे नाव, मेलों में जाते थे और मेलों में से खरीद के लाते थे, बहुत मज़ा आता था। उसी तरीके का कुछ आपके सामने लेके आया हूँ मैं, पुराने ज़माने की चीज़ फिर से नए ज़माने में लेके आया हूँ आपके साथ। अगर आपको मज़ा आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिसकी वजह से आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, आगे भी और भी वीडियो आती रहेंगी। इसी तरीके से बने रहें और मुझे मोहब्बत इसी तरीके से देते रहें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।